दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट कैसे बने, स्मार्ट लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें नॉर्मल से स्मार्ट बनाते हैं। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ने में अच्छा है, उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं या उससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर पता हैं, बल्कि एक्चुअल में स्मार्ट वे लोग होते हैं जो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा रिच होते हैं, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। साइन नंबर वन, दे आस्क क्वेश्चंस। नॉर्मल आदमी कोई भी नई चीज़ जानता है या सीखता है तो उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक स्मार्ट आदमी किसी भी नॉलेज या फैक्ट को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। वह उसके बारे में रिसर्च करता है, सोचता है, थिंक करता है, उसे डीपली समझने की कोशिश करता है, उसके पीछे का रीज़न, असलियत पता करने की कोशिश करता है। एक स्मार्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो जब भी कुछ नया चीज़ सुनता है या जानता सीखता है तो क्वेश्चन जरूर करता है, उसके बारे में सोचता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए स्मार्ट लोग ही ज़्यादातर इनोवेशन रिसर्च करते हैं, जैसे आइंस्टाइन, एडिसन, स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे आदमी हमेशा जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। अगर आप भी क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं करते तो क्वेश्चन पूछना सीखिए। टीचर्स, फ्रेंड्स या लोगों के साथ जब भी बातें करते हैं तो जहाँ आपको समझ नहीं आता या जो चीज़ आपको बहुत कठिन लगता है उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए, उन्हें सीखिए, समझिए। यह स्मार्ट लोगों का एक लक्षण होता है। साइन नंबर टू, दे डोंट डिस्ट्रैक्ट। स्मार्ट लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपने लक्ष्य से आसानी से नहीं भटकते। उन्हें अपना विज़न या गोल क्लियर होता है, उस पर वे फोकस्ड होते हैं। वे अपने टाइम के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, इसलिए अपना ज़्यादातर समय अपने गोल या विज़न में लगाते हैं। ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करते जो उनको उनके विज़न तक पहुँचाने में मदद नहीं करती, जैसे गेम्स, मूवीज़, इंटरटेनमेंट इत्यादि। जबकि नॉर्मल मैन आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब भी कोई नई मूवी रिलीज़ हुई या फ्रेंड्स पार्टी के लिए बोले तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक्चुअल में जो उन्हें करना चाहिए वे नहीं करते। साइन नंबर थ्री, दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। स्मार्ट लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि एक नॉर्मल आदमी अपनी गलतियों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरों पर ब्लेम करता है। जबकि एक स्मार्ट आदमी परखता है, सोचता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है, खुद को चेंज करता है। साइन नंबर फोर, दे लर्न फ्रॉम अदर्स। कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं के जैसे बनने लगते हैं। आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हैं। इस चीज़ को स्मार्ट लोग जानते और समझते हैं, इसलिए वे अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखते हैं जिनसे वो सीखते हैं। निगेटिव माइंडसेट डिमोटिवेट करने वाले लोगों से रहने से अच्छा है वे अकेले रहना पसंद करते हैं। वे वीडियोज़, बुक्स, इन सब से सीखते रहते हैं और अपने माइंडसेट को, खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखते हैं। खुद गलती करके सीखने के बजाय वे दूसरों की गलतियों से भी सीखने की कोशिश करते हैं। साइन नंबर फाइव, एक मूर्ख या सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, और दूसरों को खुद से कम ही समझता है। जबकि एक स्मार्ट आदमी खुद को बेस्ट नहीं समझता है, वह सोचता है कि अभी भी मुझ में कुछ कमी है, मुझे और अधिक सीखना है, और वह अपने सामने वाले से सीखने की कोशिश करता है, ना कि खुद को उससे बेस्ट दिखाने की। साइन नंबर सिक्स, दे डोंट टॉक टू मच। स्मार्ट लोग ज़्यादा बात नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा चुप रहते हैं, वे तभी बोलते हैं जब उनके बातों की वैल्यू होती है, जब लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। वे फालतू बात नहीं करते, वे तभी बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। फालतू के गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं करते, जबकि नॉर्मल आदमी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, खुद के बारे में बातें करते हैं। जबकि एक स्मार्ट आदमी कभी भी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता, वो आइडियाज़ या सामने वाले की बातें करता है, खुद की तारीफ करने के बजाय सामने वाले को वैल्यू देता है। साइन नंबर सेवन, सेल्फ कंट्रोल। स्मार्ट लोगों में खुद को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। वे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वे अपने इमोशंस को लगभग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जब भी वे फेल होते हैं या दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वे उसे मैनेज करना जानते हैं। वे साइलेंस के पावर को जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी के कारण ही वे मोटिवेटेड, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। साइन नंबर एट, रिस्पेक्ट अदर्स। स्मार्ट लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। वे ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते। खुद को स्मार्ट दिखाने के बजाय वो सामने वाले को स्मार्ट फील कराते हैं। अगर कोई उनसे ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा समझदार है तो उनकी चापलूसी नहीं करते, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। साइन नंबर नाइन, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्मार्ट लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। वे अपने सेल्फ इमेज को बनाए रखना चाहते हैं, खुद की मदद करते हैं। वे ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते जहां उनकी रिस्पेक्ट ना हो। वे अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सेल्फ इमेज को कभी भी गिरने नहीं देते। साइन नंबर टेन, दे डू नॉट शेयर सीक्रेट्स।
स्मार्ट लोग कभी भी अपने गोल्स, प्लान्स या विजन्स को आसानी से दूसरों से शेयर नहीं करते। वे स्वैप नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने सीक्रेट्स को दूसरों से शेयर नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सीक्रेट्स को शेयर करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उन्हें बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए वे अपने सीक्रेट्स या प्लान्स को तभी शेयर करते हैं जब ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ साइन जो स्मार्ट लोगों में पाए जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। स्मार्ट लोग क्यूरियस होते हैं, यानी क्वेश्चन करते रहते हैं, फोकस्ड होते हैं, आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, खुद को बेस्ट नहीं समझते, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, फालतू बातें नहीं करते, इनमें सेल्फ कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ये दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये खुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ इमेज को बनाए रखते हैं और अपने सीक्रेट्स आसानी से शेयर नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।